बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वी आर गोना स्टार्ट अवर फर्स्ट लेक्चर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर ऑफ जनरल साइंस फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोना स्टार्ट अवर फिफ्थ चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीजेज। एज यू ऑलरेडी नो, द सिलेबस इज़ रिड्यूस्ड, सो वी विल स्टडी सम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड लेफ्ट द अदर। द फर्स्ट टॉपिक विच वी स्टडी टुडे इज़ डिजीज़ एंड देयर कॉजेज। ठीक है, इसमें हम काफ़ी सारे डिजीज़ पढ़ेंगे, यानी बीमारियाँ और उनके कॉजेज, यानी उनके किस वजह से वो होती हैं या उनके क्या सिम्टम्स हैं, ये सारे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है कि ह्यूमन डिजीज़ आर कॉज बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, मलेरियल पैरासाइट्स, एस्करेसिस एंड थ्रेड वॉर्म्स। ठीक है, यानी ह्यूमन डिजीज़ यानी इंसान में जो भी बीमारियां होती हैं वो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उसको कॉज कर रहे होते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो उनमें दीज आर कौन कौन से हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई होते हैं, मलेरियल पैरासाइट्स हैं, एस्करसिस है, थ्रेड वॉर्म्स हैं। ये सारे जो हैं ये कॉजेज हैं, ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से इंसान बीमार होता है। ये सारे अपने में एक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, यानी पूरे जिस तरह एक जानदार हैं, खुदा की तरफ से बनाई हुई मखलूक हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स विच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको कहते ही इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि वो इतने छोटे होते हैं कि उसे आप माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, मतलब एक नेकेड आई से उनको ईजिली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत रहती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड मलेरिया पैरासाइट, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सम डिजीज़ एंड देयर कॉजेज आर गिवन बिलो। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है, कि वो तमाम डिजीज़ जो बैक्टीरिया कॉज कर रहा होता है इंसान के अंदर। कह रहे, सेवरल ह्यूमन डिजीज़ आर कॉज बाय बैक्टीरिया, सम ऑफ द कॉमन बैक्टीरियल डिजीज़ आर मैंशन बिलो। ठीक है, कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो इंसान में बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, उनको हम बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। नंबर वन उसमें से है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हम पढ़ेंगे। दिस डिजीज़ इज़ कॉज बाय बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम। इट इज़ अ वाइड स्प्रेड एंड अ लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़। ठीक है, यानी ये डिजीज़ एक ख़ास बैक्टीरिया की वजह से होता, ये डिजीज़ एक ख़ास बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा फैलने वाला डिजीज़ है और लॉन्ग लास्टिंग, यानी काफ़ी देर तक ये बीमारी रहती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स इसके पढ़ लेते हैं। इसके सिम्टम्स वो कह रहे हैं कि इसके सिम्टम्स में आपके पास क्या आ जाता है, चेस्ट पेन। ठीक है, यानी छाती में दर्द होना, चेस्ट पेन, ब्लड इन स्पटम, खून आना आपके उसमें, प्रोलॉन्ग्ड कफिंग, काफ़ी अरसे तक खांसी रहती है, कॉन्स्टेंट फीवर, बुखार नहीं उतरता, लॉस ऑफ बॉडी वेट और वज़न इंसान का कम होने लगता है, जिसे हम टीबी कहते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। द डिज़ीज़ इज़ कॉमन ऑन दोज पीपल हु लिव अंडर अनहाइजीनिक कंडीशंस, टेक पुअर फूड एंड ब्रेथ, डस्ट लोडेड एयर। ठीक है, यानी इसकी वजह क्या बनती है, किन लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है, जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, अच्छी कंडीशंस में नहीं रहते, साफ़ सुथरी जगह पर नहीं रहते, खाना साफ़ नहीं खाते और गर्द वाली जगह पर वो सांस लेते हैं, यानी जहाँ पर मट्टी और गुबार वगैरह ज़्यादा होते हैं, ऐसे एरियाज में जो रहते हैं। द डिज़ीज़ स्प्रेड बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पिटिंग ऑफ टीबी पेशेंट। यानी अगर एक टीबी पेशेंट है और वो कहीं पर खांसता है या छींकता है या स्पिटिंग करता है, तो उसकी वजह से वो दूसरों को भी ये वायरल बैक्टीरिया दूसरों के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। रॉ और अनबॉइल्ड मिल्क ऑल्सो कैरीज द टीबी बैक्टीरिया। यानी जो हमने देखा टीबी का बैक्टीरिया जिसका नाम उन्होंने माइकोबैक्टीरियम कहा है, वो ख़राब दूध में या अगर आपने दूध बॉयल नहीं किया तो उसके अंदर वो मौजूद होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन दिस डिज़ीज़ मोस्टली द लंग्स आर इफेक्टेड। इन सीवियर केसेस द पेशेंट में स्पिट ब्लड अलॉन्ग विद स्पटम और ड्यूरिंग कफिंग। ठीक है, यानी गैर जब टीबी ज़्यादा सीवियर हो जाएगी, यानी ज़्यादा अरसा हो जाएगा बीमारी को, तो फिर आपके उसमें खांसी में ब्लड भी आएगा। और वो कह रहा है कि ये ज़्यादातर इसमें क्या है, आपके लंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। द डिज़ीज़ कैन बी कंट्रोल बाई इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल स्पेशली द पेशेंट एंड बाई अडॉप्टिंग एंड प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग फैसिलिटी। ठीक है, अब यानी इससे बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इससे बचा जाए या कैसे इसको बेहतर किया जाए, मतलब इसकी सीवियर कंडीशन ना हो, उसके लिए क्या है कि जहाँ पर वो बंदा रह रहा है उधर की सफाई सुथराई का ख्याल किया जाए, उसको अच्छी कंडीशन में रखा जाए। और कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहला है प्रॉपर फूड, फ्रेश एयर, प्रॉपर रेस्ट कैन इम्प्रूव द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, यानी अच्छा खाना हो, साफ़ सुथरा खाना हो, साफ़ सुथरी आबो हवा हो, अच्छा आराम उसके लिए अच्छा हो, तो उससे वो पेशेंट जल्दी रिकवर हो सकता है। द विक्टम ऑफ दिस डिज़ीज़ बी कैप्ट इन आइसोलेशन
और सैनिटेरिया टू कंट्रोल फर्दर स्प्रेडिंग ऑफ, ठीक है, और जो टीबी का पेशेंट है उसे आइसोलेशन में रखा जाए ताकि इससे बाकी लोग बच सकें। द डिज़ीज़ इज़ क्योरेबल बट प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रिजिस्टेंट ट्रीटमेंट इज़ मस्ट, ठीक है, यानी ये खुदा ना खास्ता जानलेवा बीमारी नहीं है, इंसान ठीक हो जाता है लेकिन काफ़ी अर्सा लग जाता है इसमें, ठीक है। इन्फेंट्स मस्ट बी इम्यूनाइज विद द BCG भी अगेंस्ट टीबी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पहले से ही वैक्सीन मौजूद है ताकि उनको टीबी ना हो, उनको BCG लगाया जाता है, ठीक है, यानी इस बैक्टीरिया से बचने के लिए। नेक्स्ट है हुपिंग कफ, हुपिंग कफ भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये ज़्यादातर बच्चों में होती है, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स यानी बच्चों में होती है। इसके क्या सिम्टम्स हैं, द इन्फेंट कफ एक्चुअली फॉर अ मिनट आफ्टर विच एयर रशेज इन टू द लंग्स प्रोड्यूसिंग अ विस्लिंग साउंड कॉल्ड हुप, ठीक है, इसका नाम ही इसीलिए हुपिंग कफ है, छोटे बच्चे जब खांसते हैं तो एक एयर उनके अंदर जाती है लंग्स में, जिसकी वजह से एक विसल, एक साउंड बनता है जिसको जिसको हुप कहा जाता है। आपने देखा भी होगा बच्चों के अंदर इस तरह की खांसी जब डिवेलप हुई होती है। ड्यू टू एक्यूट कफिंग डेलिकेट लाइनिंग्स ऑफ द लंग्स एंड कैपिलरीज आर डैमेज, ठीक है, यानी इस तरह की कफिंग करने की वजह से, खांसी की वजह से जो लंग्स और में कैपिलरीज की जो लेयर होती है वो डैमेज होने लग जाती है। द इन्फेंट ग्रेजुअली गेट्स वीकर, बच्चे कमज़ोर होने लग जाते हैं और इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हड्डियाँ निकल आती हैं उनकी। इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए बच्चों को DBT से इम्यूनाइज किया जाता है, यानी इंजेक्शन है ये लगाया जाता है। इंजेक्शन किस तरह दिए जाते हैं, टिपिकल मेथड में, यानी पहली डोज 6 वीक्स में दी जाती है, सेकेंड डोज 10 वीक्स में, थर्ड डोज 14 वीक्स में और बूस्टर डोज 18 मंथ्स में, ठीक है। यानी इसमें क्या है कि छोटे बच्चों में पैदा होते हैं ये वैक्सीन लगाई जाती हैं ताकि इन बीमारियों से वो बच सकें। अब DPT जो उसने नाम लिया, DPT क्या है आपके पास, उसके अंदर 3 वैक्सीन आती हैं, एक डायफ्थेरिया की, एक पर्टोसिस की जिसे हुपिंग कफ कह रहे हैं, और टीटैटनस, ठीक है। यानी अगर ये लगा दी जाती हैं बच्चों को छोटी उम्र में, जैसे उन्होंने बताया कि 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, तो फिर इससे वो इन बीमारियों से वो बच सकते हैं। नेक्स्ट है डायफ्थेरिया, डायफ्थेरिया भी आपके पास बैक्टीरियल डिजीज़ है, इट इज़ ऑल्सो डिजीज़ ऑफ द इन्फेंट, ये भी बच्चों में होता है, ठीक है। ज़्यादातर द बैक्टीरियम अटैक्स द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द नोज, थ्रॉट एंड लेरिंग्स एंड प्रोड्यूसेस बॉयल्स, ठीक है। यानी कहाँ कहाँ पर बैक्टीरिया, जो वाला बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर इफेक्ट कर रहा होता है, एपिथेलियल सेल्स नोज़ के, नाक के, गले के, और आपके ये जो लेरिंग्स होता है यानी लंग्स के जो ऊपर वाला पाइप होता है उस जगह पर ये इफेक्ट करता है जाके। दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस विच किल द नेबरिंग सेल्स, ठीक है। यानी ये बैक्टीरिया क्या कर रहा होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफ्थेरिया कॉज कर रहा है वो क्या कर रहा होता है, ऐसे सेल्स नेबरिंग सेल्स को डैमेज कर रहा होता है, ऐसा जहरीला मादा, जहरीला टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा कर रहा होता है, ठीक है। द ट्रैकिया एंड लैरिंग्स ऑफ द पेशेंट बिकम नॉन फंक्शनल, यानी इस हद तक डैमेज कर सकता है कि लैरिंग्स और ट्रैकिया काम करना छोड़ देता है। द हार्ट मसल्स गेट वीक, जो दिल के जो आपके हिप मसल्स होंगे वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। इन्फेंट शुड बी इम्यूनाइज अगेंस्ट दिस डिजीज़ बाय वैक्सीनेशन, ठीक है, बच्चों में इसकी वैक्सीनेशन कर दी जाती है शुरू से। नेक्स्ट है टैटनस, टैटनस क्या है, ये कह रहा है ये कम है लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है। द डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया आर फाउंड ऑन द एनिमल डंग, यानी ये जो जो बैक्टीरिया टैटनस कॉज करता है वो खुद कहाँ पर लिव करता है, एनिमल डंग में होता है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से पैदा हो रहे होते हैं। ह्यूमन बॉडी में ये कहाँ से जाता है, दे एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द वाउंड्स और कट्स, यानी जो हमारे जख्म होते हैं, इसीलिए आपको पता है जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको फ़ौरन टैटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उसके अंदर ये बैक्टीरिया एंटर ना हो सके। तो जख्म जो होते हैं वहाँ से इसको रास्ता मिलता है, उसके लिए डोर है, यहाँ से वो इंसान के अंदर एंटर हो जाता है। वंस इनसाइड द बॉडी, अगर एक दफ़ा इंसान के जिस्म में अंदर हो जाए, रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ द पेशेंट, ठीक है। जैसे वो कह रहा था कि बहुत ज़्यादा ये रिप्रोडक्शन इनकी, मतलब पैदावार इनकी बहुत ज़्यादा है, तो अगर एक दफ़ा इंसान के अंदर एंटर हो जाए तो बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है और जहरीला मादा पैदा करता है जो कि इंसान के नर्वस सिस्टम को ख़राब कर सकता है। इन द अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज़ द पेशेंट, यानी जब आप टैटनस अगर किसी को खुदा नखास्ता हो जाता है तो क्या शुरू में उसे क्या लगता है, उसको सर दर्द महसूस होने लग जाता है, वो लेज़ी होने लग जाता है। लेटर ऑन आगे आगे क्या होता है, पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन द ओपनिंग ऑफ माउथ, उसका मुंह खुलना मुश्किल हो जाता है, इसकी नेक बिकम स्टिफ, यानी नेक हो जाती है, एंड फील डिफ़िकल्टी इवन इन यूरिनेशन, इवन पेशाब करने में भी, यूरिनेशन में भी उसको तकलीफ होती है। देर इज़ नो रेमेडी ऑफ द डिज़ीज़ एंड द पेशेंट फेसिस टू डेथ, ठीक है, इसकी कोई भी इलाज नहीं है और उसको फिर डेथ हो जाती है। द डिज़ीज़ कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द इंजेक्शन ऑफ ATS, ठीक है, एंटी टैटनस सीरम, यानी इस डिज़ीज़ से बचने के लिए क्या है कि पहले ही उसको टैटनस का टीका लगा दिया जाता है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, एंटी टैटनस सीरम है एट द टाइम ऑफ गेटिंग एनी इंजरी, जब भी कोई इंजरी आए। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कैन बी अचीव्ड बाय पीरियोडिक यूज़ ऑफ वैक्सीन, ठीक है, यानी बार बार वैक्सीन के इस्तेमाल से जो है
एक उसके अंदर इम्यूनिटी इसके लिए डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है टाइफाइड, ये भी बहुत कॉमन है, आप लोग सुनते रहे हैं इसका नाम भी, एक कॉमन डिजीज़ है। नाउ डेज द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हेल्प टू कंट्रोल द डिजीज़। अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है वो एंटीबायोटिक्स लेता है और उससे ठीक हो जाता है। अब वैक्सीन इज़ ऑल्सो अवेलेबल विच गिव्स आर्टिफिशियल इम्यूनिटी अगेंस्ट टाइफाइड, ठीक है, यानी एक वैक्सीन भी इसकी है। अगर किसी को टाइफाइड नहीं है और वो वैक्सीन इस्तेमाल करता रहता है तो उसके अंदर उस बीमारी का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है कॉलरा, इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, ये इंसान का जो निज़ाम इन्हज़ाम है यानी हज़म करने वाला जो निज़ाम है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वहाँ पर जाकर ये इफेक्ट करता है। द बैक्टीरियम इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी जो ख़राब खाना या गंदा पानी है वहाँ से ये बैक्टीरिया इंसान के अंदर जाता है। हाउस फ्लाइज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ दिस बैक्टीरिया, यानी जो घरों में जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं उससे भी इनका फैलता है, क्योंकि वैसे गंद पे जाके बैठती हैं, गंदे जो गला सड़ा खाना होता है उस पर जाके बैठती हैं, तो उससे इंसान को ये बैक्टीरिया उसके अंदर पहुँच सकता है। द मेन सिम्टम्स इसके क्या हैं, वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, इट काजेज डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है, सवेयर अटैक में काज द डेथ ऑफ द पेशेंट। अगर ज़्यादा मतलब ये बीमारी बढ़ती जाएगी तो खुदा ना खास्ता डेथ भी हो सकती है अगर इसका क्योर नहीं किया जाएगा या इग्नोर किया जाएगा। आगे आपके पास क्या है, द अटैक ऑफ द डिजीज़ कैन बी अवॉइडेड, ये भी आप वैक्सीन के थ्रू कर सकते हैं। इन केस ऑफ अटैक द यूज़ ऑफ ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट एंड एंटी डायरियल ड्रग्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी को कॉलरा हो गया है तो वो ये चीज़ें इस्तेमाल करेगा तो वो क्योर हो जाएगा और इससे मतलब सिवियर कंडीशन से बच सकता है, ठीक है। ये आपके पास बैक्टीरियल डिजीज़ थे। नेक्स्ट हम वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे। कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ आपके सामने जो भी बताए हैं, कुछ किसी में सिम्टम्स बताए हैं, किसी में कॉजेज़ बताए हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड। नंबर वन है आपके पास नेम फ्यू बैक्टीरियल डिजीज़, बहुत आसान है, ठीक है, हमने इतने सारे पढ़े, टैटनस, हूपिंग कफ, डायफ्थीरिया, इनमें से आपने चार पांच नाम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखें। शॉर्ट नोट में क्या है, मतलब आपने ये लिखना है कि ये कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया जो ये कॉज करता है, इसके दो तीन सिम्टम्स लिखने हैं और कैसे इंसान इफेक्ट होता है या कैसे रिकवरी कर सकता है, तो 3 to 4 लाइन्स का पैराग्राफ बना के आप लिखेंगे। राइट सिम्टम्स ऑफ हूपिंग कफ, हूपिंग कफ में क्या सिम्टम्स आते हैं वो आपने लिखने हैं। हाउ टैटनस डिजीज़ कॉज इन बॉडी, यानी टैटनस का जो बैक्टीरिया है वो इंसान की बॉडी में कैसे एंटर होता है ये लिखना है आपने। राइट ब्रीफली अबाउट कॉलरा, और इसमें आपने कॉलरा के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। होप सो आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा ये टॉपिक और ईजी भी होगा, और इंशाल्लाह कि आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पर साथ के साथ कर लेंगे। नाउ वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।